मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. वेल ड्रेस्ड. और तुम स्लीव्स नीचे करो. राम राम गुरु जी. अरे राम राम बालको. राम राम. अरे हम कहा सुने तुम्हारी भैंस बीमार चल रही है. एक काम करना, अपने चाचा जी को हमारा नंबर दे देना और कह देना हमको शाम को कॉल कर ले. वो नहर पार रहता है ना अपना हब्बू हकीम, उसका नंबर दे देंगे, तुम्हारी गाय को बिल्कुल फिट एंड फाइन बना देगा. ठीक है यार, कुछ भी कहो. हाँ गुरु जी इंसान बड़े अच्छे. हाँ यार सही बात. कौन? कौन है? अरे कौन है? निकल! ऐसी बदबूदार चप्पल तुम जैसों की हो सकती है? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर. क्लास से निकलो, क्लास से निकल. अरे जमालू एक काम करना ना, घर पे ना घी के दो डब्बे भिजवा देना यार. क्या करें, घर पे स्टॉक खत्म हुआ पड़ा है. सर बंटी ने मुझे मार के मेरा सारा टिफिन खा लिया. अरे आजकल बुरबक बंटी बड़ा उड़ा है, जाओ उसको बुला के लेके आओ. बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया. राम राम गुरुजी, बताओ क्या हुआ. अरे बंटी एक काम करो, हमारे घर से जाओ रोटी लेकर आओ. हेलो सर जी. बस रोटी लेकर आओ. अबे जाओ सब्जी भी लेकर आओ, ऐसे रोटी क्या खाएंगे. जाओ सब्जी लेकर आओ. ये लो सर. सब्जी भी ले आए, थक गए होगे. वहां जाके मुर्गा बन. मेक श्योर बच्चा पार्टी कोई भी चीटिंग ना करे, प्रिंसिपल साहब राउंड पे. चीटिंग कर रहा है. सर नोट दे, नोट दे, नोट दो सर, छोड़ दो पन्ना, छोड़ सर. अरे बंटी पेपर क्यों नहीं लिख रहे हो, कोई बात हो गई है क्या. सर जी कल बापू बीमार था, इस मारी पढ़ नहीं पाया. अरे यार ये फेल ना हो जाए, इसका तो कुछ करना पड़ेगा. प्रिंसिपल साहब ना आसपास कहीं पे नहीं है, तुम सारे बच्चे मिल बांट के अपना पर्चा खत्म कर लो. ठीक है. आजा, आजा, आजा। यीहा! अरे सर जी जुग जुग जियो. अरे तू जानता मैं किसको जानता हूँ? मैं तुझे नहीं जानता. ये क्या जान, मैं जानता हूँ. अरे तू बता दे. अरे 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 बच्चों शांत शांत. यार आप लोग कैसे हो, आपके माँ बाप आप लोगों को स्कूल भेजते पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इन सब चीजों के लिए. आप लोग मारपीट क्यों करते हो. देखो पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी है, मारपीट की जीवन में कुछ नहीं रखा है. अरे बंटी तुमको कितनी बार सिखाया बेबात लड़ाई मत किया करो. अरे गुरुजी इन दोनों ने ना हमारी क्लास के पप्पू पे हाथ उठाया है. कुछ भी करना चाहिए था, क्लास के लड़के पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था. मारो. तुम 30 के 30 दिन आए हो, 30 के 30 दिन तुमने काम किया है, ये तुम्हारी सैलरी. ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए. पूरे के पूरे 29 दिन तो तुम आए नहीं हो, एक दिन आए, उस दिन पूरे दिन तुमने स्टाफ रूम में बिताया है, लेकिन फिर भी ये आपकी सैलरी.